अपोलो दशकों से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत में प्रमुख है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी विशेष सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपोलो ने टायर 2 और टायर 3 शहरों में के लिए अपोलो क्लिनिक के नाम से क्लिनिक मॉड्यूल शुरू किया है। शंकरनगर में अपोलो क्लिनिक टायरा कॉम्प्लेक्स में खोला गया है और डेंटल पेड्रिक और ऑर्थोपेडिक से लेकर कार्डियोलॉजी और ENT और सोनोग्राफी तक की शुरुआत करते हुए अपोलो ने अपना पूर्ण क्लिनिक आरंभ किया है। और जहां सामान्य जनता बहुत ही मामूली खर्च के साथ एक छत के नीचे परामर्श के साथ ही सभी संबंधित डायग्नोस्टिक प्राप्त कर सकते हैं, अपोलो क्लिनिक VIP स्ट्रीट स्थित अशोक रत्न सोसाइटी के पास से रायपुर में स्वास्थ्य सेवा में एक बदलाव आया है, जो देशभर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक इस क्लिनिक में आकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है। साथ ही महंगे और अनावश्यक यात्रा से निजात भी मिलेगी। वहीं सेना से रिटायर्ड डॉक्टर AK पुजहरी ने कहा है कि सर्व सुविधा युक्त रायपुर का यह पहला क्लिनिक है जहां आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है, जहां कम बजट में अच्छा इलाज क्लिनिक का उद्देश्य है। ये मेडिसिन का स्पेशलिस्ट डेवलप है तो उसको OPD बेसिस में इलाज कर सकते हैं सब जानकारी होने के बाद। दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटीज है, एक्सरे का फैसिलिटीज है और जो खून का टेस्ट होता है ज्यादातर खून का टेस्ट इधर ही हो सकता है। सो जो मरीज को अस्पताल में भर्ती होने का जरूरत नहीं है, इसमें सब टाइप का इलाज हो सकता है। जिसको हॉस्पिटल में भर्ती होने का जरूरत है उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके इलाज किया जाएगा फिर। और जब तक ये अपोलो का हॉस्पिटल अगर खुलना जाए, ये हमारा जो इन हॉस्पिटल बोलते हैं वो नहीं होती। क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो डॉक्टर जो बैठेंगे उनका सुविधा है, जो खून वगैरह जांच होगा, एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा उसका सुविधा है, जो इधर इलाज का गोली का फार्मेसी जो दवाई लेते हैं उसका सुविधा है। और बाकी ये अपोलो का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन है, उसका NABH को स्टैंडर्ड का है। NABH नेशनल एक्रेडिटेशन होता है जिसको एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है हमारे देश में, उसको भी एक्रेडिटेड होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल अभी शुरू नहीं हुआ तो ये लैब वगैरह सब एक्रेडिटेड होना चाहिए।